शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहले आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी है। शेफाली वर्मा का बर्थडे था सैटरडे को और उनके अपने टीम से जो है गिफ्ट चाहिए था और वो था ये फाइनल में जीत। अब पूरे देश को ही जो है भारत की बेटियों ने गिफ्ट दे दिया है। बता दें कि इससे पहले मिताली राज की कप्तानी में भारत की सीनियर महिला टीम ने 2005 और 2017 में वनडे विश्व कप और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन जीत जो है वो भारत के हाथ नहीं लग पाई थी। लेकिन शेफाली की कप्तानी में देश की बेटियों ने ये बड़ा मुकाम हासिल किया है, पहली ICC ट्रॉफी महिला क्रिकेट में भारत के नाम अब जाकर आई है। टॉस जीत कर बता दें पहले बोलिंग की भारत ने, इंग्लैंड को 68 रनों पर ऑल आउट किया तकरीबन 18 ओवर्स में। जीत में अहम भूमिका भारतीय गेंदबाजों ने निभाई जिनके सामने इंग्लिश बल्लेबाजों की एक नहीं चली और शुरुआती ओवर से ही उसके विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड के केवल 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंकों तक पहुंच पाए, डबल फिगर्स तक। भारत की ओर से टी साधु, पाशवी चोपड़ा और अर्चना देवी ने 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के लिए सौम्या तिवारी 24 रन और हर्षिता बासु शून्य पर नाबाद रही। चेस की बात करें और बल्लेबाजों की बात करें तो कप्तान शेफाली वर्मा ने 15 रन बनाए, गोंगी तुषा ने 24 और उप कप्तान श्वेता शरावत ने 5 रन बनाए। तो 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया भारत की बेटियों ने और जो विनिंग शॉट था वो लगाया सौम्या तिवारी ने। और इंग्लैंड के लिए हैना बेकर, एलेक्स स्टोनहाउस और ग्रेस स्टीवंस ने 1-1 विकेट लिए। भारत की उपकप्तान श्वेता शरावत जो हैं फाइनल में 5 रन बनाते ही टूर्नामेंट की टॉप रन स्कोरर भी बन गई और उन्होंने 7 मैचों में 297 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस स्टीवंस ने 293 यानी कि 293 रन के साथ दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। वहीं शेफाली वर्मा ने 172 रन के साथ तीसरे नंबर पर जो है अपनी जगह बनाई है टॉप रन गेटर्स की जहाँ तक लिस्ट है। और तीनों ही ये जो प्लेयर्स हैं वो फाइनल में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं। खैर, भारत की कप्तान शेफाली वर्मा जो हैं 28 जनवरी को 19 साल की हुई हैं और ऋचा घोष और वो सीनियर टीम के लिए दोनों जो हैं खेल चुकी हैं। रविवार को फाइनल खेलने उतरने के साथ ही शेफाली ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया था। वो अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। और जो नाम है इम्पॉर्टेंट वो जान लेते हैं, चूँकि हम हमें अमूमन पुरुषों की बात करते हैं, मेंस क्रिकेटर्स की बात करते हैं, हमेशा करते थे जो मेन क्रिकेटर्स होते हैं मेंस क्रिकेट टीम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन 11 नाम जो हैं आपको गिना देते हैं। शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, अर्चना देवी, मन्नत कश्यप, पार्श्वी चोपड़ा, श्वेता शरावत, सौम्या तिवारी, सोनम यादव, रुचिता बासु, जीत त्रिशा और अतिता साधु, इन 11 खिलाड़ियों ने भारत को महिला क्रिकेट में अपना पहला विश्व कप खिताब दिलाया है। ICC ने पहली बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप आयोजित किया है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 20 ओवर फॉर्मेट में हो रहे टूर्नामेंट की मेजबानी जो है साउथ अफ्रीका में हुई, ठीक उसी तरह जैसे कि 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप था, ऑफकोर्स वो सीनियर टीम का था और भारत ने जीता था उसको महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भारत के जो पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, अभी हाल ही में 2022 में खेला गया था फाइनल, वहाँ पर भी भारत के जो अंडर 19 के लड़के थे उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को ही हराया था। तो भारत के लिए जो है बल्ले बल्ले है और विमेंस क्रिकेट के लिए ये बहुत ही शानदार आगाज रहा है इस साल का, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट के लिए अभी आने वाला है IPL। करोड़ों में हमने देखा है उसकी मीडिया राइट्स बिके हैं और वहाँ पर टीम्स जो हैं वो भी डिसाइड हो चुकी हैं, ऑक्शन अगले महीने एक्सपेक्टेड है। तो बहुत कुछ होने वाला है भारतीय महिला क्रिकेट के लिए और इससे अच्छा आगाज जो है वो भारत के लिए नहीं हो सकता था इस साल।